जमाने में यहाँ पे बोला जाता था अक्कल धारा, तब एक छोटा सा जो है ऊपर से झरना होता था। अभी गर्मी के दिन है, पानी तो कम आ रहा है, वैसे इसका नाम है अक्कल धारा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिसेस तड़ागी अपने मिस्टर एंड मिसेस तड़ागी ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम निवासी बागाट का टूर है हमारा, हम घर जा रहे हैं। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हमारा चीनू है, हम उसको भी लेके जा रहे हैं। आगे का सफ़र हम आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ ब्लॉग में आगे बने रहे। ये सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। सफर कर रहे हैं हम, अभी हम टनकपुर से आगे हैं, बस स्टैंड पहुँचे नहीं हैं, बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। आपको हम अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और गर्मी में जो है सर्दी का यहाँ से पहाड़ लग जाता है उसका एहसास करते रहे, ठंडी हवा पानी क्या राम लो घमला की रहो। मेरा कुत्ता चीनू, उसको भी गर्मी कितनी लग रही है बेचारे को, अभी भी ठंडी हवा खाने जा रहा है अपने गांव, अपने मम्मी पापा से मिलने जा रहा है हमारा चीनू। मिलते हैं आगे। ये चलती ये पार्टी का जाना जाना पूजी ज्ञान चलती, तू सुवार इशार ये पिंकू मम्मी चिट्ठी दिए जल्दी। ये पार्टी का जाना जाना पूजी ज्ञान चलती, हमें चीनों लेकर घर जाना जल्दी। सुंदर नजारा है, देखिए ये हमारा चीनू हमने ठंडे में हवा में बैठा रखा है, गाड़ी में बहुत गर्मी हो गई थी। देखिए कितने सुंदर है, देवदार चीड़ के पेड़ है, पूरे चीड़ के पेड़। देखिए हमारे कुत्ते के साथ चीनू के साथ खेलने के लिए आए। अरे यार जय श्री शंकर, भूल न जाना। हाँ ठीक है भैया, ये देखिए दोस्तों खाना आ गया है हमारा,
अब हम यहाँ पर आराम से ठंडे में बहुत धन्यवाद खाते हैं, फिर जाते हैं आगे के सफ़र में। ये देखिए मिस्टर तड़ागी जी ला गए हमारे खाना। देख सकते हैं सफ़र में हमारी क्या हालत हो गई है। नीचे से आने में गर्मी बहुत हो रही थी, अभी थोड़ा यहाँ पर मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम लोगों ने यहाँ पर खाना ना खा लिया है। वो देखिए तड़ागी जी आ रहे हैं पीछे से खाने के बर्तन दे करके, और हमारे चिनू ने भी खा लिया है खाना। अब हम चलते हैं आगे को, आगे का सफ़र हमारा जारी रहेगा, आप हमसे आगे मिलते रहिए। ये देखिए चीनू के लिए चीज़ आई है, चीनू क्या आया है, बिस्किट आया है देखो। हाँ चीनू बिस्किट खाएगा। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? आयो आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। हम भी स्वस्थ और मस्त पिकनिक मना रहे हैं। ये पहले के ज़माने में यहाँ पे बोला जाता था अक्कल धारा, तब एक छोटा सा जो है ऊपर से झरना होता था। अभी गर्मी के दिन है, पानी तो कम आ रहा है, वैसे इसका नाम है अक्कल धारा। पहले कहते हैं कि जो यहाँ का पानी पीता है तो उसको मतलब माइंड में कुछ अक्ल भी आ जाती है, डेवलपमेंट करता है, ऐसा पुराना मत है। और यहाँ का पानी शुद्ध स्वादिष्ट है, लेकिन आजकल गर्मी की वजह से पानी कम हो गया है। कि जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल कम, देखो ये इतना हो गया है ये, हाँ। लेकिन ये पानी शुद्ध साफ स्वादिष्ट और ठंडा, बिल्कुल ठंडा ठंडा। इसके सामने फ्रिज फेल है, हालांकि लगता है टाइम अभी गर्मी के दिनों में, और अभी जैसे अगले महीने जुलाई आ जाएगी, बरसात में पानी भी बढ़ जाता है। पानी नेचुरल अच्छा हुआ, इसमें पूरे मतलब जो भी हैं मिनरल वाटर, जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं पूरे, ये काफ़ी लाभदायक है। दोस्तों देखिए हम पहुंच गए हैं घर, ये है मेरा छोटा सा आशियाना लागाहट का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।